अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम अनिला दिशान फ्रॉम कराची। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज की न्यू वीडियो में हम आपको मैसी बन बनाना सिखा रहे हैं। मैसी बन थिन एयर्स पे किस तरह से बनता है वो हम आपको सिखाएंगे। हमारे जो ये मॉडल हैं, क्लाइंट हैं, इनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, वो आपको दिख रहा होगा वीडियो में। इसमें जो है हम मैसी बन किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमने इनकी क्रिम्पिंग कर ली थी, इसके बाद हमने इनके क्राउन एरिया पर पफ क्रिएट करना है। पफ के लिए हमने इनके हेयर्स में नेट लगाई है। नेट आप किसी भी डूनट से कट कर सकते हैं। आपको जितना वॉल्यूम पफ का चाहिए उतनी आप नेट कट कर लें। हमें बहुत ज़्यादा ऊंचा पफ नहीं चाहिए था, लाइटली चाहिए था, इसलिए हमने बहुत छोटी सी नेट कट करके क्राउन एरिया पर लगा दी है। फ्रंट से हमने थोड़े से बाल लिए हैं, उस पर बैक कॉमिंग की है और इस तरह से नेट के ऊपर सेट किया है। बहुत ही अच्छे से हम बैक कॉमिंग को फिनिशिंग देंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद हमने इनके बाकी हेयर्स का जूड़ा बनाया है। सिंपल ट्विस्ट करके हमने बालों को, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने इनके तमाम हेयर्स को लेकर इसकी जो है हमने ट्विस्ट चुटिया बनाई है। सिंपल इस तरह से हमने ट्विस्ट किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। ट्विस्ट करते हुए हमने इनका सिंपल जूड़ा बनाया है। बालों को फोल्ड कर दिया है हमने इस तरह से और पिन अप कर दिया है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा थिन हेयर्स हैं और इसका जूड़ा कितना छोटा सा बना है। अब जो हमने पफ के हेयर्स, जो हमने पफ क्रिएट किया था, उसके हेयर्स को भी हम अलग से ट्विस्ट करके राउंड जूड़ा बना देंगे, क्योंकि अगर हम वो नीचे जूड़े के बालों में इन हेयर्स को लेते हैं तो वो क्राउन एरिया का जो पफ होता है उसकी फिनिशिंग आउट हो जाती है, बाल खिंच जाते हैं, इसलिए हमने उसको अलग से ही सेट किया है। इसके बाद हमने एक काशी लड़ी, आजकल बहुत फेमस है ये, आपको इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाती है। उसका थोड़ा सा हिस्सा हमने कट किया है, बहुत छोटी सी कट की है, तकरीबन एक लड़ी में से चार या पांच हम इस तरह से ये लड़ी काट सकते हैं और जूड़े बना सकते हैं। तो हमने छोटी सी लड़ी कट करके ये जूड़े में सेट की है। अब हम जूड़े को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इनके जो छोटे छोटे से हेयर्स हैं इनको और मज़ीद सेट करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हाथों से आप सेट करें। अब हमने थोड़े थोड़े से हेयर लिए हैं इस तरह से लड़ी के और उनको राउंड किया है। इस तरह से आप देखें किस तरह से हम राउंड, इस तरह से हमने राउंड करते हुए इसमें हमने फाइन पिन में मोती डालकर इस तरह से सेट कर रहे हैं। इससे बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा जूड़े का और ये पता भी नहीं चलेगा कि हमने एक्सटेंशन लगाई है या कोई लड़ी या कोई हमने चीज़ लगाई है बालों में। इनके अपने रियल बाल लगेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हम मोती फाइन पिन में लगा रहे हैं, राउंड करते जाएं इस तरह से और आप मोती लगाते जाएं। इसी तरह से हम तमाम बालों में लगा लेंगे। और स्प्रे कर दें ताकि जो भी हमने रिंग बनाए हैं वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाएं। देख सकते हैं आप जूड़ा कितना खूबसूरत बना है। इसके बाद हम फ्रंट पर आ जाएंगे। फ्रंट पर हम इनके हेयर्स को इस तरह से सेट करेंगे कॉम्ब से। उसके बाद हम इनके फ्रंट पर थोड़े से बाल निकालेंगे ताकि उसमें हम कर्ल कर सकें। अच्छा, बाकी जो हेयर्स हैं उनमें हम बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग करके हम यहाँ पर भी पफ क्रिएट करेंगे, एक साइड पफ क्रिएट करेंगे। फ्रंट के हेयर्स में अगर हम फ्रेंच देते या फिर ट्विस्ट बनाते तो इनके बाल बहुत ज़्यादा पतले थे, तो इनकी स्किन दिखती, मांग दिखती
इस वजह से हमने इनके बैक कॉमिंग करके यहाँ पर साइड पब दिया है। ट्विस्ट या फ्रेंच या कोई भी दूसरा स्टाइल नहीं बनाया है। आप भी इसी तरह से करें। अगर किसी के पतले बाल हैं तो आप बैक कॉमिंग करके साइड पब क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से जो हमने बैक कॉमिंग की है उसको अच्छे से फिनिशिंग करें कॉम से। कॉम को तीछा रखिएगा, स्ट्रेट नहीं रखिएगा वरना बैक कॉमिंग खुल जाएगी। फिनिशिंग करने के बाद आप इस तरह से कॉम की टेल की मदद से आप आपको इस तरह से सेट करें। हमने बॉक्स सेक्शन जो आईब्रो का आर्च होता है यहीं से हमने हेयर्स लिए थे। आर्च टू आर्च बॉक्स सेक्शन लिया था। उसके बाद जो बाकी बाल थे उसमें अलग से बैक कॉमिंग करके उसको अलग से हम सेट करेंगे इस पफ में। बैक कॉमिंग की फिनिशिंग करने के बाद इसे भी हम इस तरह से सेट कर देंगे। अब फ्रंट के हेयर्स में हमने कर्ल करना है। कर्ल कर लें या स्ट्रेट कर लें वो आपकी मर्ज़ी है। स्ट्रेट अच्छे लग रहे हैं फ्रंट पर तो आप स्ट्रेट करके छोड़ दें, और अगर कर्ल करने हैं तो आप कर्ल कर लें। हमने इनके हेयर्स को कर्ल किया था। दूसरी साइड पर भी हमने बैक कॉमिंग करके इनके सेट किए हैं बाल इस तरह से। क्योंकि जो थिन हेयर्स होते हैं उनमें हम ट्विस्ट नहीं देते, ट्विस्ट देने से स्किन नज़र आती है, इसलिए बैक कॉमिंग करना ज़्यादा बेहतर होता है। बैक कॉमिंग करके आप सेट कर दिया करें पफ को। कर्ल करने के बाद हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो जाता है। आई होप आपको हमारा स्टाइल पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। अच्छा, अब इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा क्योंकि दुआएं दस्तक की तरह होती हैं और दस्तक देने से दरवाजे खुल ही जाते हैं। तो आप अपने लिए, हमारे लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए दुआएं करते रहा करें। इंशाल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।